आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसके बारे में आप नहीं जानते। वो बहुत ही आसान और घर में ही बनने वाली एक ही चीज़ से तैयार होने वाली रेमेडी। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी जनाब, तो आज की रेमेडी है खांसी के बारे में, तो बहुत ही आसान है, चले करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बच्चों का बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता कि वो कभी आइसक्रीम खा लेते हैं, कभी बर्फ़ के गोले खा लेते हैं और कभी आइस भी मामों से छुप छुप के खा लेते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे बेटे के साथ, मेरे हसन के साथ। उसने आइस, नीचे बड़ी मामा के पास जाता था तो आइस छुप छुप के खाता था, जिसकी वजह से उसे खांसी आ गई। इतनी उसकी खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसी खांसी जो कि रात को होती है और उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, सांस अटक जाता है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए एक घर में ही बहुत आजमुदा सा नुस्खा लेके आई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली बेनिफिशियल वीडियोस आप तक पहुँच सके। कमेंट में आप लाजमी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी रेमेडी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। तो करना क्या है, आपने 2 एप्पल्स लेने हैं। एप्पल्स के जो ऊपर वाले छिलके हैं ना जी जनाब, ये वाले छिलके हमें चाहिए। इनको हमने एप्पल को रख दिया साइड पे और जो छिलके हैं वो 2 एप्पल्स के छिलके ही हमें चाहिए। और आपने क्या करना है, अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि इनका कहवा आपने तैयार करना है जो कि आप बच्चे को दिन में 2 बार पिलाएंगी तो इंशाल्लाह जल्दी से आराम आ जाएगा। तो इसके तैयार करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ जी। तो आपने लेना है पैन, उसके अंदर आपने डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 कप पानी। 2 एप्पल के अंदर 2 कप पानी आप डालेंगे ऐसे। और इसके अंदर छिलके, चूँकि मैंने जो एप्पल थे वो पहले ही अच्छी तरह वॉश किए हुए थे, हम इसके आप अंदर डालेंगे छिलके और इनको पकाना शुरू कर देंगे जी। तो 2 कप पानी डाल के आपने इसको इतना पकाना है कि वो 1 कप पानी रह जाए। तो फिर चूल्हा कर देना है बंद और इसको आपने किसी कप में डाल देना है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे आप फीडर में डाल के दे सकती हैं, लेकिन अगर बच्चा बड़ा है तो आप कप में डाल के भी उसे दे सकते हैं। अगर तो खांसी जो है वो पुरानी है, 3-4 माह पुरानी, तो फिर 7 से 8 दिन तक आप इसे कंटिन्यूसली 2 टाइम दें। और अगर खांसी अभी 7-8 दिन हुए हैं, थोड़ा टाइम गुजरा है, तो फिर आप इसे 4-5 दिन में ही इंशाल्लाह आराम आ जाएगा जी। तो ऐसी खांसी के मेडिसिन ले लेके आप लोग तंग आ गए हैं और अब बच्चे जो हैं वो मेडिसिन लेने में भी इतनी खुशी महसूस नहीं करते, तो आपने क्या करना है, अमरूद लेने हैं जी, घावा अमरूद लेने हैं। और अमरूद इतने पके हुए ना हों, कच्चे अमरूद हों, उनको आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उनको कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद, आजकल बहुत ज़्यादा धूप है, धूप में रखें 2 दिन और वो ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद आपने इनको अच्छी तरह जला लेना है जी, चूल्हे पे रख के जला लें। अगर तो अपॉसिबल है तो पूरे को वैसे ही चूल्हे पे रखें और वैसे ही ड्राई करें कटिंग के बगैर, और इसको पूरे चूल्हे के ऊपर रख के ऐसे जला लेना है जैसे बिल्कुल ये राख बन जाए। और इस राख को आपने एक शीशी में रख के सेव कर लेना है और बच्चे को जब भी खांसी आए शहद में डाल के थोड़ी सी मिक्स करके उसे थोड़ी सी खिलाने से इंशाल्लाह इस खांसी का आराम आ जाएगा और खांसी बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। और जैसे ही खांसी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो, अगर ये थोड़े सी शहद में मिला कर इसकी राख वैसे ही चटा दी जाए तो जल्दी ही खांसी कवर हो जाती है, इतनी बिगड़ती नहीं, बलगमी खांसी नहीं बनती या फिर इसके और ज़्यादा बढ़ जाने के चांस नहीं होते, वहीं पर कवर हो जाती है। तो जनाब, ये थी 2 रेमेडीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आपको अगर मेरी रेमेडीज़ पसंद आए कमेंट करके लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।